हमारे साथ नजम सेठी साहब मौजूद हैं। अब वो सोमवार की बजाय जुम्मे को हमें नया दौर के इस प्लेटफॉर्म से वक्त देंगे और आज बहुत से मौजूदात हैं। इस हफ्ते में बहुत कुछ हुआ है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और उनका हम जायजा भी लेंगे, तबसरा भी सुनेंगे और देखते हैं कि सेठी साहब की चिड़िया जो है वो उड़ के काबुल से, वॉशिंगटन से और दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से क्या खबरें ला रही है। तो सबसे पहले तो मियां नवाज शरीफ की वीजे का जो केस है, जो कल से खबरों की जीनत में है कि बरतानवी हुकूमत ने शायद उनके वीजा की तौसी नहीं की, इसलिए वो अपील करेंगे और वो जब तक अपील करेंगे तो वो कयाम कर सकते हैं यूके में, मगर इससे बहुत से सवाल पैदा हो गए। क्या मियां साहब अपना स्टे तर्क करके वापस आ जाएंगे पाकिस्तान? क्या वो तैयार है आने के लिए, मशावरत कर रहे हैं, या ये यूके गवर्नमेंट ने जो किया ये मामूल की कार्रवाई है या एक सिग्नल है? ये इन तमाम आपके सवालात का जवाब देंगे सेठी साहब। और इसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि आज जहांगीर तरीन ग्रुप ने एक और विकेट जो है वो गिरा दी, इमरान खान और उनकी पार्टी की। ओहन चौधरी उनके बड़े करीबी समझे जाते थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। पंजाब में वे मुशीर के दर्जे पर फायज थे और उन्होंने कहा कि वो जहांगीर तरीन ग्रुप की जो की वजह से उन पर प्रेशर डाला जा रहा था। ये जहांगीर तरीन ग्रुप क्या चाहता है, क्या कर रहा है, हम इस ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इससे भी बड़ी जो अहम इस वक्त खत्ते में डेवलपमेंट्स हो रही है, सबसे पहले तो आज नाजरीन अफगान तालिबान ने काबुल के जो है हमारे बॉर्डर के ऊपर जो पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर अफगानिस्तान का, उसको ब्लॉक कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, एक सिग्नल भी है, एक इशारा भी है। और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात, उनका क्या मुस्तकबिल है, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे DGISI जनरल फैज हमीद साहब और हमारे NSA डॉक्टर मुईद यूसुफ साहब एक दौरा कर आए। उस दौरे से क्या हासिल हुआ, क्या वाकई अमेरिका ने उनकी बात सुन ली, क्या जो बाइडेन वाकई फोन उठाकर कॉल कर लेंगे इमरान खान को, और ये कि उनकी जो तहफ्फुजात है अफगानिस्तान के हवाले से क्या वो दूर हो जाएंगे। हम इन तमाम मौजूदात पे गुफ्तगू करेंगे। आप प्लीज अपने कमेंट्स, अपने सवालात बिल्कुल डालते रहें, तहजीब का दामन मत छोड़ें। गाली गलौच होगी तो हम वो अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। बाकी आप जो मर्जी पूछिए, कहिए, ये एक आजाद मुल्क है और आपको तमाम हकूक हैं अपने अपने व्यूज देने के। सबसे पहले मियां नवाज शरीफ का केस, सेठी साहब मियां साहब वापस आ रहे हैं या उनको यूके निकाल देगा, क्या होगा, डिपोर्ट हो रहे हैं कि नहीं? रजा, मियां साहब वापस आएंगे, खुद फैसला करेंगे कब आना है, क्यों आना है और आके क्या करना है। दैट्स माय असेसमेंट। ये जो अभी नई लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है, मेरा ख्याल है बिल्कुल इस वक्त कोई इरादा नहीं है कि हैंड्स अप हो जाएं और वापस आ जाएं, बिकॉज यही हुकूमत चाहती है। तो इस सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो इसको रिजिस्ट ना करें, वो बिल्कुल करेंगे। और उन्होंने ऑलरेडी रिव्यू एप्लीकेशन जो है वो पिटीशन डाल दी है, 15 दिन होते हैं, वो पहले से तैयार थी। तो इसका ये मतलब है कि वो कोई उनको सरप्राइज नहीं आया कि ये होम ऑफिस ने उनकी दरख्वास्त रिजेक्ट कर दी है। 18 महीने ये पड़ी रही है होम ऑफिस के पास। अब कोई बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी किस्म का कुछ प्रेशर शायद आया है जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि चलो अब हम इसको अदालतों में या ट्राइब्यूनल्स में भेज देते हैं, जहाँ फिर जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी वो पब्लिक होंगी। अच्छा, अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि सुरंगी साहब और आप जानते ही हैं कि इस वक्त बरतानिया की होम सेक्रेटरी कौन है। बरतानिया की होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल साहिबा है। प्रीति पटेल साहिबा की ओरिजिन्स के बारे में कोई बात करने की जरूरत नहीं है जी। तो अगर उनके कोई हिंदुस्तान के साथ कोई तल्लुकात हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो कोई ऐसी ऐसा फैसला करें जिसके साथ पाकिस्तान की अफवाज या पाकिस्तान की ये हुकूमत को फायदा हो। तो मेरा ये ख्याल है कि प्रेशर आया है, इमरान खान साहब डायरेक्ट प्रेशर आया, और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है, आधी चिड़िया की खबर ये है कि इमरान खान साहब की एक्स वाइफ की फैमिली की तरफ से भी शायद कुछ स्ट्रिंग्स पुल हुई हों। जैक गोल्डस्मिथ, आपको पता है, जमाइमा के जो भाई हैं,
वो कंजर्वेटिव पार्टी के बड़े एक लीडर हैं, और खबर तो यही थी कि उनकी तरफ से भी बड़ा प्रेशर था। तो अब अगर ये फैसला बरतानिया की हुकूमत ने किया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने ये फैसला किया है कि मियाँ साहब को अब डिपोर्ट कर देंगे अगर वो खुद नहीं जाते तो। तारीख अगर आप देखें ब्रिटिश होम ऑफिस की, तो मेरा ख्याल है कोई एक्स प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जो कि इलेक्टेड रहा हो, अगर उसने आके लंदन में पनाह ली हो फॉर व्हाटएवर रीजन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनको एक डिपोर्ट या एक्सट्राडाइट नहीं किया। पाकिस्तान के साथ भी अभी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन नहीं हुई है, अभी तक वो पड़ी हुई है और उसके लेन देन हो रही है उसके ऊपर, और बहुत से क्लॉजेस डाले हुए हैं यूके की गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से इतनी आसान नहीं है एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी साइन करना। बिकॉज जो भी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी साइन करेंगे वो बरतानिया के जो डोमेस्टिक कानून है ऑन ह्यूमन राइट्स और लीगल ड्यू प्रोसेस वो फुलफिल करने पड़ेंगे, तो इसीलिए वो अभी तक साइन नहीं हुई है, बिकॉज यूके के लॉज बड़े स्ट्रिक्ट हैं ह्यूमन राइट्स। इसीलिए आज तक इंडिया से कम अज कम हाफ अ डजन भगौड़े हैं जो के टैक्स केसेस में टॉप बिजनेसमैन हैं, आप उनके नाम जानते हैं, मैं चाहें तो मैं उनके नाम भी आपको दे दूं, मगर आप खुद जानते हैं, सुलंगी साहब को सबके नाम याद होंगे। क्यों सुलंगी साहब? बड़े बड़े सदतकार और बड़े बड़े इंडिया के कॉर्पोरेट थीव्स जो हैं वो सारे भागे हुए हैं। सेठी साहब मैं लेट मी फिनिश। जी जी जी, तो उसमें जिंदल्स भी हैं और टाटा भी हैं और अंबानी भी हैं, हिंदुजा भी हैं और हिंदुजाज भी हैं, और जिंदल्स का नाम तो शायद आपको पता ही हो उनका क्या तल्लुकात है, और बड़े अमीर लोग हैं, बहुत रईस लोग हैं, और वो काफी अरसे से इंडिया की हुकूमत उनको एक्सट्राडाइट करने की कोशिश कर रही है, तो वो बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको घास नहीं डाल रही इंडिया को। तो मेरा ये अपना ख्याल है कि ब्रिटिश हुकूमत का भी कोई ये फैसला नहीं है कि मियां साहब को अब वापस भेजना है, उन्हें पता है जहां तक सियासी लोग होते हैं और वो भी इलेक्टेड हों और पॉपुलर लोग हों, उनको हमेशा एक ट्रेडिशन है यूके की कि उनको पनाह दी जाती है, वहां ये ख्याल होता है कि एक दिन ये वापस बनेंगे कुछ ना कुछ, और हमारे अच्छे तलकात रहने चाहिए इनके साथ, और उन्हें इस बात का भी एहसास है 100 साल 150 साल उन्होंने हमारी हुकूमत की है, उन्हें हमारी जुडिशरी और हमारी पुलिस और हमारी FIAs और हमारी नैब के बारे में भी सब कुछ पता है, वो कैसे केसेस बनते हैं और कैसे केसेस खत्म भी हो जाते हैं और फिर आगे भी बढ़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि कोई चांस नहीं है कि बरतानिया की हुकूमत मियां साहब को उठा के फेंक देगी वापस पाकिस्तान।